एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज, एक एक मिनट प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ, वह बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। मुझे इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में प्लीज, मैं आपको सबको मौका दूंगा, प्लीज प्लीज अमराम जी, प्लीज अवेसी जी, प्लीज सबको मौका दे। बैठिए, एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज, एक एक मिनट प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। असाउद्दीन ओवैसी जी, एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज, बैठिए बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी जी, सर मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं, और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए, और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मजारा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूँ जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। सर आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहाँ पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा, और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है, अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर।